प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम क्लास फोर्थ सब्जेक्ट ईवीएस का चैप्टर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं, ए विजिट टू जम्मू एंड कश्मीर। विजिट होता है बच्चों दौरा करना। तो कि ये टॉपिक किस पर है, ये लेसन क्या है कि जम्मू कश्मीर का दौरा करना। ए विजिट टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, हाउ प्लीजिंग इज इट टू हियर दीज वर्ड्स। तो बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर स्टेट्स का दौरा करना है, ये सुनना कितना खुशी की बात होती है, कितना ये सुन के कितनी खुशी होती है। प्लीजिंग बच्चों मतलब खुशी, हियर होता है सुनना। जम्मू एंड कश्मीर इज ए ब्यूटीफुल स्टेट। जम्मू एंड कश्मीर क्या है, एक खूबसूरत स्टेट है। ब्यूटीफुल क्या होता है बच्चों, खूबसूरत। वी स्टार्ट अवर जर्नी फ्रॉम द जम्मू रीजन ऑफ द स्टेट बाई स्मॉल बसेस। स्टार्ट होता शुरू करना, जर्नी होता सफ़र। हमने अपना सफ़र जम्मू से शुरू किया छोटी छोटी बसेस में, छोटे स्मॉल होता है, छोटी बसेस होता है, छोटी छोटी बसों में। द पीपल ऑफ जम्मू आर कॉल्ड डोगरास। पीपल होता है बच्चों लोग, जो जम्मू के लोग हैं उनको क्या बोलते हैं, डोगरास। दे स्पीक द डोगरी लैंग्वेज। वो कौन सी जबान बोलते हैं बच्चों, डोगरी। स्पीक होता है बोलना, लैंग्वेज होती है जबान, डोगरी जबान बोलते हैं। जैसे हम बच्चों हम लोग कश्मीरी जबान बोलते हैं, वैसे जम्मू के लोग क्या बोलते हैं, डोगरी जबान। दीज पीपल आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी। जो जम्मू के लोग हैं वो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। ब्रेवरी होता है बच्चों बहादुरी। पीपल जैसे मैंने आपको बताया था, लोग, नोन होता है जानना, वो किस अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे। जम्मू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी इन दिस रीजन। बोलते हैं कि जम्मू है वो जम्मू एंड कश्मीर का एक जरूरी, एक खास शहर है। जम्मू कश्मीर का एक खास शहर कौन सा है, जम्मू। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ तवी रिवर। ये कहाँ पर सिचुएटेड, कहाँ पर है ये बच्चों, जो जम्मू में दरियाए तवी चलती है, दरियाए तवी तवी है, उसके जो किनारे हैं, बैंक्स जो होते हैं उस पर क्या है, जम्मू जो शहर है वो है उसके ऊपर ही सिचुएटेड है, उसी के ऊपर पड़ता है। दिस सिटी इज़ द विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो शहर है ये सर्दियों की राजधानी है, किसकी, जम्मू एंड कश्मीर की है। देयर आर ब्यूटिफुल टेम्पल्स इन द सिटी। जो जम्मू शहर है इसमें बहुत सारे टेम्पल्स होते हैं बच्चों, मंदिर, खूबसूरत मंदिर है। मानसर लेक इज सिचुएटेड इन दिस रीजन। मानसर लेक भी इसी रीजन में सिचुएटेड है। मानसर लेक बच्चों अगर आपने पढ़ा होगा तो इंग्लिश की चैप्टर में आपने मानसर के बारे में पढ़ा होगा, मानसर लेक के बारे में पढ़ा होगा। द केव ऑफ श्री माता वैष्णो देवी इज सिचुएटेड इन त्रिकुटा हिल्स। जो माता वैष्णो देवी है जो जम्मू में है, जो उसकी गुफा है वो कहाँ पर है, त्रिकुटा हिल्स। त्रिकुटा हिल्स, हिल्स होती है बच्चों पहाड़ियाँ, त्रिकुटा उस पहाड़ी का नाम है। जो माता वैष्णो देवी की जो गुफा है वो कहाँ पर है बच्चों, त्रिकुटा हिल्स पे। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट होली प्लेस फॉर हिंदूज। ये हिंदूज के लिए, हिंदू लोग जो है उनके लिए बहुत ही एक पवित्र जगह है। द फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स वाई विज कुद, बटोट, सनासर, पत्नीटॉप, भद्रवाह एंड किश्तवाड़ आर ऑल्सो हियर इन दिस रीजन। बोलते जो मशहूर जो पिकनिक स्पॉट्स हैं, जो मशहूर पिकनिक स्पॉट्स या टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहाँ पर लोग ज़्यादा सैर करने आते हैं, वो कौन कौन से पड़ते हैं बच्चों, कुद है, बटोट है, सनासर है, पत्नी टॉप है, भद्रवाह है, किश्तवाड़ और हेयर इन दिस रीजन, इसी रीजन में पड़ते हैं। दिवाली, ईद, होली एंड गुरुपुरब आर द मेन फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू रीजन। जम्मू रीजन के जो बड़े बड़े त्यौहार हैं या बड़े बड़े जो दिन हैं वो कौन से हैं, दिवाली हो गई, ईद हो गई, होली हो गई और गुरु पूर्व हो गई। तो थैंक यू बच्चों, आज क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम जम्मू कश्मीर के बारे में और पढ़ेंगे। थैंक यू।